भाई आज हो गए थोड़ा लेट, और मतलब जल्दी जाने के चक्कर में मैं कुछ घर से शूट ही नहीं कर पाया। और सामने देखो गाय ही गाय बछड़ी यही है। एक्चुअल मेरी ना एक शर्त भी लगी है ऑफिस में कि मेरे को ना ऑफिस में इस महीने लेट नहीं आना एक बार भी, तो उस चक्कर में भी मेरे को भागना पड़ रहा है। ये देखो गोवंश। तो मित्रों एक बार फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब मज़े में होगा, मज़े में रहने चाहिए, क्यों नहीं। तो करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। आज है डे 3 और जो अपना 60 डे चैलेंज का है उसका व्लॉग नंबर 3 है ये। ये हमारे गांव का अंडरपास बन रहा है कि ऊपर फ्लाईओवर हो जाएगा तो काम सही हो जाएगा। अब तो यहाँ साइड से जाना पड़ रहा है, मैंने व्यू भी नहीं देखा यार कैसा दिख रहा है, बस ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी, देखना पड़ेगा एक बार। तो हाँ ठीक ही है, ऑलमोस्ट ठीक है। सामने सूरज देवता। फिर कल तो ना एक बंदा मेरे से रेस लगाने लग गया बाइक पे, कैमरा मेरा ऑन नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर दो। आज कोई ऐसा होगा चैलेंज तो देखते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड है। हाँ बिल्कुल। चलिए मित्रों, मैं माइक की जो बात बता रहा था ना कि ये आवाज़ ही करता चर की, तो मैंने कल ऑब्जर्व किया वीडियो जब एडिट कर रहा था कि जब बाइक पर चलते हैं तो उसकी वो आवाज़ निगलेक्ट हो जाती है पता नहीं कैसे, और जैसे ही स्टडी मोड में आते हैं खड़े होकर बनाते वीडियो तो वो आवाज़ करता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया कल जब मैं शाम को घर गया और बच्चों से मिला ना, अंधेरे वाली जो आपने वीडियो में देखा होगा छोटा सा क्लिप है जिसमें बच्चे दिख ही नहीं रहेगा कि बार इतना अंधेरा हो जाता ना ज़्यादा टाइम, तो उसमें तो मैं यार सही है यार, माइक भी सही है, कैमरा हमारा सही है ही, हम भी सही हैं तो अच्छी बात है। और मित्रों मैं सोच रहा हूँ कि इस पर ना सीट कवर चढ़वा दूँ यार बाइक पर, क्योंकि सीटें जो है वो फटने लग गई है 2 साल में, पता नहीं कैसी क्वालिटी देते हैं वो। बिल्ड क्वालिटी की तो मैं क्या ही बात करूँ यार बाइक की, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ठीक है। लेकिन मेरा लोकल में ना वो स्टैंडर्ड वाले या फैंसी से कोई कवर नहीं चढ़ाता, सिर्फ एक ही टाइप का कवर है, तो वही कवर मैंने चढ़वाना पड़ेगा सीट पर। क्या कर सकते हैं भाई, जो आपकी लोकलिटी की लिमिटेशन है उन्हीं के साथ आपको जीना होता है। अभी तो भागम भाग के पेल लम्पेल देखो 90 की स्पीड में चल रहा हूँ, सॉरी यार लेकिन 80 की तो यहाँ पर है ही स्पीड इस हाईवे पर, 80-90 की तो है ही, दिखा भी दूंगा बोर्ड, ऐसी बात नहीं कि मैं कल चल रहा हूँ, कल तो नहीं चल रहा भाई। मुझे मेरे स्पेक्स चेंज करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि जो फ्रेम है वो काफ़ी बड़ा है, और जब भी मैं हेलमेट पर ये कैमरा माउंट करता हूँ ना तो उसके वेट से तो आगे झुकता है हेलमेट थोड़ा सा, उसमें फिर मेरा चुभता है आँखों पे। तो मित्रों आज है ना हमने थोड़ा खर्चा कर दिया अपने ऊपर, एक डीकैथलोन की जो स्वेटर होती है वो मैंने ली है, और देखते आने के बाद कैसा होगा, ऑफिस में ही ऑर्डर कर दी थी फ़ोन से, ठीक है ना। डीकैथलोन को आपको कोई कपड़ा चाहिए कोई प्रमोशन वगैरह तो होता ही नहीं, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल है नहीं कि प्रमोशन हो, लेकिन मेरे को अच्छा लगा और उसका जो कपड़े वगैरह थे वो अच्छे थे, तो मैंने एक ऑर्डर करके देखा है, अगर रहेगा तो फिर रेगुलर करते हैं वेंडर को, अब वेंडर कर रहा हूँ, वेंडर का काम है ऑफिस में तो वो जुबान पे रह ही जाता, लेकिन हाँ तो इसको कंटिन्यू करेंगे फिर आगे, कई सारी चीज़ें मंगानी हैं। तो अगर आप भी डीकैथलोन की साइट पर विजिट करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, बहुत सारी बोले तो मतलब के जेंट्स लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं विंटर क्लोथ्स मिल जाएंगे आपको, शूज़ वॉचेज साइकिल्स और स्पोर्ट्स वियर जितने भी हो उसके ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको, ट्राउज़र वगैरह शूज मिल जाएंगे हर स्पोर्ट्स के लिए। तो आज मेरा यही एक न्यू जो रिसर्च करी मैंने वो आप लोगों को बता दी है अभी। मेरे को एक समझ में नहीं आई बात, जिन व्हीकल्स की स्पीड कम होती है वो राइट में क्यों चलते डिवाइडर के पास, उनको इधर चलना चाहिए ना जहाँ मैं चल रहा हूँ। एक बार कमेंट करना क्या सरकार ने रूल गलत बना रखा है या गलत लोग कर रहे हैं। तो एक बार पेट्रोल फुल कराते हैं, फुल कर दो। ये सामने देख रहे हो कैसे सिंगारिया उठती जा रही है, ये बाइक पे भाई लोग सीरिया लेके जा रहे हैं, देखो क्या ही खतरनाक है। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी, वीडियो एंजॉय की होगी तो लाइक करना, कमेंट करना। ले भाई सामने बच्चे हैं। हाँ तो मित्रों आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखानी थी, देखो मैं ना स्टूडियो को ऐसे रखता हूँ जब आता हूँ तो कितना अच्छा लगता होगा ये देखिए, है ना। तो ऐसे कुछ बना के रखते हैं स्टूडियो को।